सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज फिलहाल मैं आया हूँ डिटेलिंग माफिया अपनी गाड़ी की डिटेलिंग करवाने के लिए। तो मुझे डिटेलिंग में नाम ज़्यादा कुछ नहीं पता हुआ है, तो मैं ऐसे घूम रहा था ग्रेटर होने के अराउंड। मैं दिल्ली से अपना फ्रेंड लेके आया था, तो मुझे डिटेलिंग माफिया एक बैनर देखा, तो मैंने तुरंत लोकेशन देखा और मैं इस लोकेशन पर आ गया। तो बेसिक क्या होता है कि डिटेलिंग बारे मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, मेरी गाड़ी की डिटेलिंग हो चुकी है, पर मैं आपको स्टेप्स बताना चाहता हूँ और आपको स्टेप्स दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस है। और मैं भी तो जानेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है, कितने चार्जेस लगते हैं और बाकी तो मैम आपको सब है यहाँ पर किस नाम से? ये परीक्षा के पास हमें कहा गए हैं, वहाँ मेरा ऑफिस है और दिल्ली के लिए माफिया। तो मैम जैसे कि मुझे ज़्यादा पता नहीं दिल्ली के बारे में, तो जैसे कि मैम दिल्ली क्या होता है आपका बता सकते हैं? डिटेलिंग इज बेसिकली एज ए नेम सजेस्ट कंप्लीट डीप क्लीनिंग इन टर्म्स ऑफ द डिटेलिंग ऑफ द शाइन ऑफ योर बाइक। उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है, जैसे कि हार्ड वाटर मार्क हो रहे हैं या कहीं रस्ट नज़र आ रहा है या कोई भी कंटेमिनेशन नज़र आ रहा है, उसका रिमूवल, पेंट करेक्शन, वो सब हम लोग डिटेलिंग के अंदर लेते हैं। मैम ये आप बाइक से भी करते हैं, कार से भी करते हैं? एनी डिटेलिंग, इंक्लूडिंग बोट्स, एयरक्राफ्ट, अब्रॉड में तो वो बहुत चलता है। डिटेलिंग के अलावा और मैम और क्या क्या होता है आपके यहाँ? मेन तो डिटेलिंग है, फिर एलिगेंस का भी स्टूडियो है ये, क्योंकि यहाँ कार एक्सेसरीज एंड बाइक एक्सेसरीज रहते हैं। मैम डिटेलिंग में एक्चुअली में होता क्या, थोड़ा आप बता सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप इंक्लूड होते हैं कि जैसे? अगर हम डिटेलिंग को और बाइक वॉश को दोनों को कंपेयर करके देखें कि दोनों में क्या फर्क आएगा, तो बाइक वॉश के अंदर आपका सिंपली वॉशिंग हो जाती है जो कि सोप, और वो क्लीन होने के बाद में उसकी ड्राइंग हो जाती है एंड यू गेट अ बाइक। डिटेलिंग के अंदर हमारा पूरा प्रोसेस डिटेल में जाता है, जैसे कि पूरी अच्छी सीट खोली जाती हैं, पूरी इंजन का डिग्रीजिंग होता है, उसका डिटेलिंग होता है, पूरा आपका जहाँ जहाँ पर भी फ्लैट क्रोम है क्रोम की डिटेलिंग होती है, जहाँ आपका प्लास्टिक है प्लास्टिक की डिटेलिंग होती है, लेदर की सीट की ड्रैकिंग होती है, या अगर कोई भी प्रोडक्ट है सीट के जहाँ ड्राइकिंग की जरूरत है वहाँ ड्राइकिंग होता है, जहाँ पे क्रोम प्रोडक्शन की जरूरत है वहाँ पर डिटेक्शन रहता है, आपका पूरा जो वीक होता है उसका रिम है उसका वो पूरा एलाबोरेटली डिटेलर से पूरा ब्रश क्लीन होता है। तो जब आप बाइक डिटेलिंग कराने के बाद बाइक लेते हैं तो आपको यू इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप उसमें कहीं जल्दी घूम पाएंगे अच्छे से डिटेलिंग हुई है बाइक की। और इसके अंदर से हम आपने क्योंकि प्लेटिनम सुपर पैकेज लिया है, इसके अंदर हम लोग इसके अंदर पेंट करेक्शन करते हैं और फिर सेरामिक पेंट क्लीन कराते हैं। मैम जो नॉर्मल बाइक होता है छोटा बाइक होता है, दोनों के चार्जेस होते हैं उनमें कितना लेते हैं साफ होता है? नहीं, बाइक का हमारा सबका सेम ही है, हाँ, क्योंकि उसमें एरिया का तो जैसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप, बट बहुत प्रीमियम बाइक जैसे आप खाले जा रहे हैं अफ्रीका आ गए तो वो थोड़ा सा डिफरेंट उसका प्रॉफिट हो जाता है, तो बस वही एक डिफरेंस होता है। लास्ट क्वेश्चन आपके जब भी गाड़ी के सर्विस जब भी लोग पॉलिसी वर्क कर रहे थे, तो मैंने देखा था आप बार बार उधर जाके आप लोग कनेक्ट कर रहे थे, आप खुद भी कर रहे थे मैम, आप बाइक इसमें बाइक बाइकिंग लाइन में या सरकार में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपने, आप बहुत सारे नहीं, बस मेरा व्हीकल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और जो काम मैं कर रही हूँ उसमें मेन मैं इन्वॉल्व इसलिए होती हूँ बिकॉज वो थोड़ा है ना कि आपको खुद सुपरवाइज करे बिना कोई व्हीकल मेरा यहाँ से नहीं मिल सकता है, उसकी पूरी डिटेलिंग सारा चेक पूरा सुपरविजन करने के बाद में, जब ये है क्योंकि कस्टमर एक सर्विस के लिए पे करता है, उसमें अगर कहीं कमी रह जाएगी तो मैं खुद को कस्टमर की जगह रख के देखती हूँ कि आई विल इफ आई एम नॉट हैप्पी आई नॉट कम अगेन, वी वॉन्ट रिटर्निंग कस्टमर से देना, तो इसलिए मैं पूरा पर्सनल इन्वॉल्व रहती हूँ। तो बाकी डिटेल्स मेरा आपको दे चुका हूँ और इनका नंबर और इनका डिलीवरी डिटेल्स आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे प्लीज आई रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में, तो आगे को देखिए मिल जाए। Uh,